हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद ब्रजेश। और मैं हूं ब्रजेश फ्रांसिस, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। और आज के व्लॉग में मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूं काबदेरामा बीच वाटरफॉल, जो कि काबदेरामा बीच के साइड में है और मडगांव से जिसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। वैसे काबदेरामा वाटरफॉल जितना खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत वहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र है। और बारिश के मौसम में ये सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास, और यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर साइड रोड पे रोड साइड अपनी कार पार्क की है, और अब चलते हैं हम लोग वाटरफॉल के पास। काबदेरामा आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसलिए आप यहाँ आने के लिए अपनी पर्सनल व्हीकल से या प्राइवेट कैब बुक करके आप यहाँ आ सकते हैं। तो काबदेरामा बीच वाटरफॉल जाने के लिए हमें एक छोटा सा ट्रैक करना होता है, जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है ये, और ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसमें राइट साइड में आपके काबदेरामा बीच का भी व्यू आप ले सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं काबदेरामा वाटरफॉल, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है वाटरफॉल और सामने है अरेबियन सी। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस को। तो आप देख सकते हैं कि ये वाटरफॉल का व्यू कितना खूबसूरत है। इस वाटरफॉल की खासियत ये है कि यह नीचे जाकर समुद्र की लहरों से जा मिलता है। काबदेरामा वाटरफॉल और बीच एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है, और आप यहां पर अपने फैमिली, फ्रेंड और ऑफिस ग्रुप के साथ पिकनिक के लिए आ सकते हैं। वैसे साउथ गोवा में होने की वजह से ये बहुत सारे टूरिस्ट की आइटिनरी लिस्ट में नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी कम दिखाई देते हैं। इस वाटरफॉल के लेफ्ट साइड पर हाफ किलोमीटर डिस्टेंस पर एक ब्यूटीफुल फोर्ट है, और राइट साइड पर हाफ किलोमीटर डिस्टेंस पर काबदेरामा बीच है। तो आप इस जगह पर आके ये तीनों प्लेस कवर कर सकते हैं। वाटरफॉल पर आने के बाद इवनिंग टाइम में आप बीच पर जाकर सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये सनसेट व्यू देखने लायक होता है और जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं।
ये था हमारा आज का ब्लॉग काब्दीरामा वाटरफॉल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ट्रैवल विद प्रजेश। और जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।